तो दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर गुणरत्न सदावर्ते हैं और गुणरत्न सदावर्ते जिस तरीके से बिग बॉस से भी बात कर रहे हैं ना भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल। वो कह सकते हैं बिग बॉस के घर के अंदर की हेटेड बाय ऑल बट डिफीटेड बाय नन। फिलहाल भाई एक अलग ही लेवल पर गुणरत्न सदावर्ते का हमको क्रेज देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। उनके क्लिप्स कट रहे हैं, रील्स वायरल हो रही हैं, एक एक बातों को लोग ट्वीट कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। फिलहाल बहुत सारे स्टेटमेंट्स गुणरत्न सदावर्ते के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उनमें से एक स्टेटमेंट तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही पहुंच गया है। अगर आपको याद हो एक एपिसोड में, यानी कि कल के ही एपिसोड में, बिग बॉस कहते हैं कि मैं तो इरिटेट हो गया हूँ, परसों के एपिसोड में जब नॉमिनेशन वाली बात हो रही होती है कि मैं इरिटेट हो गया हूँ। इसके बाद गुणरत्न सदावर्ते कहते हैं कि 18 साल हुए हैं आपको बिग बॉस, अभी इतने यंग एज में आप इरिटेट मत हो जाओ। ये सोशल मीडिया पर ना क्लिप बहुत वायरल हो रहा है। इसी के साथ साथ जब बिग बॉस बोलते हैं कि आप किसका केस लड़ेंगे, तो भाई कहते हैं हेमा का केस लड़ूंगा, बिकॉज उसने, उसको पता नहीं था, गलती से उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। तो भाई ये जो क्रेजी चीज़ कर रहे हैं ना गुणरत्न सदावर्ते, मतलब इतने समय बाद, प्लस बहुत सारे लोग इसलिए भी खुश हैं कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बिग बॉस के घर के अंदर सुनने को मिल रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम बिग बॉस के घर के अंदर सुनने को मिल रहा है। तो उसी के चलते ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना खुश हैं लोग, और ऐसे तमाम पॉजिटिव कमेंट सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं गुणरत्न सदावर्ते को लेकर और उन्हीं के साथ साथ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।